और आप लोग को भी पता है कर्जत में हाफसिप एक्स्ट्रा कभी भी नहीं हुआ था। हमारे पुराने लीडर 30 साल से बोलते हैं कि हम 30 साल से यूनियन के लीडर हैं, 15 साल के से लीडर हैं, लेकिन कभी किसी ने हाफसिप एक्स्ट्रा नहीं चालू करा पाया। हमने आप लोग के सहयोग से कर्जत में भी हाफसिप एक्स्ट्रा चलवाया और खाना भी चालू करवाया। कुछ ऐसे लोग हैं वहां पे अपनी जबरदस्ती करके नहीं दे रहे हैं, लेकिन लगभग 99% लोग खाना चेक नाके के बाहर और हाफसिप देने लगे हैं अब। लेकिन फेडरेशन वाले उसको खत्म करना चाहते हैं और उसमें हम लोग की एकता दिखाना है कि अगर एक भी आदमी गया ऐसे जगह जहां हाफसिप एक्स्ट्रा नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट लेके काम कर रहे हैं तो हमें डेली का डेली पैसा चाहिए या यूनियन में चाहिए। जो भी यूनियन में पेमेंट नहीं देगा उसके साथ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, हमसे ज्यादा समझदार लोग हैं, हमसे पुराने हैं, कि जो भी यूनियन में पेमेंट नहीं देगा उसका उसके यहां साथ कोई काम मत करो। बोलो मुझे डेली चाहिए। जब जूनियर आर्टिस्ट को डेली मिल सकता है, महिला कलाकार को मिल सकता है, फाइटर को मिल सकता है, तो हमें क्यों नहीं, हम भी डेली वेजेस हैं। और एम्बुलेंस हम लोग 1 से 2 महीने के अंदर एम्बुलेंस हम लोग ले रहे हैं कि जो मेंबरों के लिए फिल्म सिटी में और जहां जहां शूटिंग हो रही है वहां पे खड़ी होगी। जल्द ही एम्बुलेंस हम लोग को लेने की व्यवस्था हो रही है, हो गया है, एम्बुलेंस ले रहे हैं जल्दी जल्दी। और सबसे बड़ी घोषणा है कि जो 2015 में मार्च लास्ट तक जो चंदा भरा है उसका 2 लाख का डेथ इंश्योरेंस होएगा, हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है। 31 मार्च तक जो भी चंदा भरेगा उसका 2 लाख का डेथ इंश्योरेंस हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सबकी पेमेंट यूनियन में लाना चाहते हैं। सेटिंग वर्कों का 90% लोगों का आ भी गया है। लाइट वालों के लिए यहीं पे बार बार बोला जाता था कि डॉकेट भरा जाएगा, पेमेंट यूनियन में आएगा, लेकिन कभी किसी ने नहीं लाया था। अभी हम लोगों ने, आप लोगों के ने, उस मीटिंग में मैंने लाइट और स्पोर्ट को थोड़ा बोला था कि आप साथ दो, कुछ लोगों ने साथ देना चालू किया है। इसलिए लाइट और स्पोर्ट का भी कम से कम 10 करोड़ पेमेंट इस साल में आया है और इसी तरह सहयोग रहा तो लाइट स्पोर्ट का भी पेमेंट आएगा। फेडरेशन बोलती है कि सेटिंग का पेमेंट लेके जाओ लेकिन लाइट स्पोर्ट का लेके मत जाओ क्योंकि वो तुम्हारे एमओ में नहीं है। हमारा बोलना है कि लाइट स्पोर्ट भी हमारे मेंबर हैं, अगर हमारे सेटिंग मेंबर तो वो भी मेंबर, हमें सारे क्राफ्ट का पेमेंट यूनियन में चाहिए या डेली का डेली चाहिए या उनके नाम पे इंडिविजुअल चेक चाहिए। हमें बीच में कोई दलाल नहीं चाहिए। अच्छे भी इक्विपमेंट है, बार बार बोलो अच्छे इक्विपमेंट में भी है, अच्छे आर्ट डायरेक्टर भी है, लेकिन जो गलत आर्ट डायरेक्टर और जो गलत इक्विपमेंट है उनको हम किसी भी ढंग से हम अपने मेंबर का शोषण नहीं करने देंगे, लेकिन उसके लिए तुम लोग को भी तैयार होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। और एड फिल्मों का, लाइट सेटिंग स्पोर्ट का हमारा है कि डिसमेंटल होने के पहले सारा पेमेंट हमारा यूनियन में चाहिए, लेकिन फेडरेशन वाले, फेडरेशन के लोग जो कि आर डायरेक्टर हैं वो लोग फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी बड़े पोस्टों पे पावर और पैसे के बल पे बैठ गए हैं। वो हमारा, हमको बोल रहे हैं 45 दिन में होएगा पेमेंट, 60 दिन में होएगा, 90 दिन में होएगा, चैनल से नहीं आता। हम बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं कि वर्कर के पैसा हम पहले ही एडवांस में देते हैं, फिर भी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेने के कारण हमको नहीं देते। बाद में आर्ट डायरेक्टर चला जाएगा, जब तक काम दूसरा नहीं चालू करेगा या इक्विपमेंट दूसरा नहीं चलेगा हम वसूल नहीं पाते। इसलिए हमारा है कि किसी भी कीमत पे एड फिल्मों का, क्योंकि कम से कम पहले की रिकॉर्ड है कि 10 करोड़ रुपया एड फिल्मों वाले चेक दिए हैं, बाउंस होकर के पड़ा है, आज तक वसूला नहीं जा सका, क्योंकि कभी बोलते हैं दिल्ली से आए थे चले गए, यहां से आए थे चले गए। तो इसलिए एड फिल्मों वालों को हमें डिसमेंटल के पहले, कोई भी जो वर्कर डिसमेंटल करेंगे पहले इंक्वायरी करेंगे कि हमारे मेंबरों का पेमेंट हुआ कि नहीं। अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो कोई भी डिसमेंटल नहीं करेगा। मंथली पेमेंट वालों का पहले आप लोग को भी पता है कि कम रेट दिया जाता था, 3-3 महीने पेमेंट नहीं होता था। फेडरेशन वालों का बोलना है कि जब तक डिस्प्यूट नहीं होए, कोई मेंबर हमारा कंप्लेन न करे, तब तक तुम नहीं जा सकते। हम बोले हम क्यों नहीं जाएं, लोगों ने हमें चुना है। अगर वर्कर को खुद को बोलना होता तो हमें क्यों चुनते, वो खुद अपनी लड़ाई लड़ते। और हम जहां भी कम रेट हो रहा है, जहां भी कम पेमेंट मिल रहा है और यूनियन में नहीं दे रहा है या मेंबर को डायरेक्ट नहीं दिया जा रहा है, वहां हम किसी भी कीमत पे अपने मेंबरों को काम करने की अथॉरिटी नहीं देंगे। और मैं चाहता हूं कि वर्कर भी मेरे उस चीज के लिए साथ रहेंगे। बालाजी में एक घटना हुई थी, आप सबको लगभग मालूम है,
मैं उसी से अपने लोगों से भी जो वहां पे लाइट सेटिंग स्पॉट थे उनसे बोलना चाहता हूं कि हमारी यूनियन गई थी 12 घंटा से ज्यादा शूटिंग हो रहा था। बालाजी के कुछ प्रोडक्शन, कुछ आर्ट डायरेक्टर, कुछ हमारे विरोधियों के साथ मिलकर के हमारे लोगों से मारपीट किए, जिसके कारण फिल्म सिटी में हम लोगों ने बंद किया। वहां पे हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया पुलिस को पैसा दिला करके, और हमारे 6 लोगों के नाम पे, 7 लोगों के नाम पे केस बनवाया गया है। मैं बोल रहा हूं जब हमारी ताकत कुछ नहीं, हमारी ताकत जब जहां आप रहते हैं वही हमारी ताकत है। ऐसे कोई आर्ट डायरेक्टर प्रोड्यूसर से डरने की, जो जब वो लोग विरोध करे तो आप अपनी यूनियन का साथ दें। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम भी आपका साथ नहीं दे सकते। ऐसे जगह पे आप लोग को खड़ा होना पड़ेगा।